गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11 स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो अपना ऑफ कर लीजिए बाबू। क्लास 11 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमें जेई मेन एंड जेई एडवांस दो इंपॉर्टेंट एग्जाम को फेस करना होता है और एक 12th बोर्ड होता है। ठीक है, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हमारे पढ़ाई का लेवल कुछ इस प्रकार से होगा कि एकदम ग्राउंड लेवल से किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ताकि एकदम बेसिक से बेसिक चीज भी हमें क्लियर हो जाए। उसके बाद मॉडरेट लेवल पे आएंगे उसी सेम टॉपिक में, एंड फिर उस टॉपिक को और ऊपर लेवल ले जाके एडवांस तक पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग जब काम करेंगे तो हर तरह के क्वेश्चंस हमें बनने लगेंगे। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो भी आप यहाँ पढ़िएगा सीखिएगा उसको खूब प्रैक्टिस करना है। तब तक प्रैक्टिस करते रहना है जब तक कि आपको वो काम अपने से बहुत आसानी से होने ना लगे। इसमें कितना देर आप पढ़ाई करते हैं इन सब का कोई मतलब नहीं होता है। दिन में पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं इसका भी कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ एक चीज का है कि आपको जो चीज सिखाया गया क्या वो काम आपको खुद से हो पा रहा है बहुत आसानी से। कोई भी चीज आपको आएगा शुरुआत में वो मुश्किल लगेंगे, बाद में वही धीरे धीरे आसान होने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले कुछ नियम कायदे कानून आपको बता देते हैं। आप लोग जब ज्वाइन कीजिएगा तो आप सभी के वीडियो ऑफ होने चाहिए, म्यूट होना चाहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको पूछने हैं, जैसे ही आपको लगे कि हमें ये चीज पूछना है आप हमें चैट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, चैट बॉक्स में लिख के आप हमसे पूछ सकते हैं। एक और खास बात जो ध्यान देने वाला है, जब भी आप मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट के मीटिंग को ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें आपका रोल नंबर स्पेस आपका नेम, इसी से आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ही आपको मीटिंग में एंट्री मिलेगा, अदरवाइज मीटिंग में एंट्री नहीं मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेज होने में अभी थोड़ा देर है, इसलिए ऑनलाइन हम लोग करेंगे, लेकिन उतना ही समय करेंगे जितना समय हम लोग ऑफलाइन में किया करते हैं। उतने ही क्वेश्चंस यहां भी डिस्कस करेंगे जितने वहां पर बनाते हैं। उतना ही समय आपको यहाँ पर भी दिया जाएगा जितना समय हम ऑफलाइन में किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे। दैट मीन्स सिर्फ फेस टू फेस जो ऑफलाइन होता है वो बस नहीं है, आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा है, बाकी सब कुछ आपको ऑफलाइन के जैसा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैथ हमें तीन लेवल से गुजरना है। ठीक है, पहला होता है बोर्ड लेवल, सेकंड है जेईई मेन लेवल,
और तीसरा है जेई एडवांस लेवल। हमें ये तीन लेवल पे काम करने रहेंगे, ठीक है, हमें इन तीन लेवल पे काम करने रहेंगे। बोर्ड लेवल को करने के लिए आप मार्केट से एक बुक उठा लीजिएगा जिसका नाम है एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ। ये बुक आप मार्केट से उठा लीजिएगा, एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ। जेई मेन लेवल एंड जेई एडवांस लेवल को हिट करने के लिए क्लास में जो थ्योरी एग्जाम्पल्स सीट वगैरह दिए जाएंगे, वैसे तो वो मोर देन सफिशियंट होगा, फिर भी मेंशंस होना चाहिए कि इन सब के लिए हमें कॉपी सीट एंड वन मोर थिंग का ध्यान रहे, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। वैसे क्वेश्चन बैंक जब हम मार्केट से लेने जाते हैं तो हमें तकरीबन 40 साल के आसपास का क्वेश्चन बैंक मिलता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो जेई मेन और जेई एडवांस नाम का एग्जाम है, इस एग्जाम का अब तक का रीत रहा है, रिवाज रहा है कि लगभग हर दो या तीन साल में, हर दो या तीन साल में अपना पैटर्न बदलता है, कुछ न कुछ ऐसे चेंजेज करते हैं कि पिछले वाले से वो बिल्कुल अलग दिखाई देने लगता है। हर दो से तीन साल में ऐसा बदलाव किया जाता है इन दोनों एग्जाम में। तो जब हर दो से तीन साल में ऐसा बदलाव किया जाता है तो 40 साल का क्वेश्चन बनाना बेवकूफी होगा। हाँ, शुरुआत है, हम समय बहुत ज्यादा है, हम बना सकते। अदरवाइज लास्ट फाइव ईयर का क्वेश्चन अगर हम बना के उस पर कमांड कर लेते हैं, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, पिछला 5 साल का क्वेश्चन अगर हम अच्छे से बना लेते हैं, कमांड कर लेते हैं, तो करेंट जो भी पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम लोग बिल्कुल तैयार रहेंगे, ठीक है। अभी इतना ही रखेंगे, ये क्वेश्चन बैंक भी आपको बाजार से लेना है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी आपको मार्केट में मिलेगा, एनसीईआरटी बुक भी आपको मार्केट में मिलेगा, सीट हम ऑनलाइन भी दिया करेंगे और ऑफिस में आने पे आपको ऑफलाइन भी मिल जाया करेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद यहां देखते हैं कि और क्या क्या हमें ध्यान रखना है। मैथ में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, पहले इसका खाका तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक मैथ करेंगे। बेसिक मैथ्स में क्या क्या होते हैं? बेसिक मैथ्स में होते हैं अब तक क्लास टेन तक जो आपने पढ़ा है मैथ, वो सारे आते हैं इसमें, एंड इलेवेंथ और ट्वेल्थ के चैप्टर्स जो है उनका कुछ बेसिक पार्ट, स्टार्टिंग पार्ट यहां इंक्लूड कर दिया जाता है। इसलिए इंक्लूड कर दिया जाता है क्योंकि अगर कंपटीशन लायक क्वेश्चन आपको आएंगे तो वो कई चैप्टर के कंसेप्ट को मिला के बनाया जाता है, तो वहां पे आपको जरूरत महसूस होने लगता है कि वो चैप्टर तो पढ़े नहीं तो कैसे बनेगा। इसलिए शुरुआत में कई सारे चैप्टर्स के थोड़े थोड़े हिस्से
इसमें शामिल कर दिए जाते हैं कि अगर हल्का फुल्का पार्ट रहा तो वो हम इसकी मदद से बनाते चले जाएंगे, ज्यादा रुकावट नहीं है। कोई बड़ा पार्ट आ जाने पे तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स अगर आ जाए तो बेसिक मैथ्स आपको हर चीज का बोल। बेसिक मैथ के अलावा क्या क्या चीज होता है? इसके अलावा आपको जो मेजर पार्ट है वो ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस है। इतने मेजर पार्ट है आपके पास, इतने सारे मेजर पार्ट्स आपके पास है, इनको हमें बनाने रहेंगे। अब इसी को बाइफर्केट करके कुछ पार्ट 11th में पढ़ने हैं, कुछ पार्ट 12th में पढ़ने हैं। तो चूंकि हम लोग सही समय से शुरू कर लिए हैं बैच एंड टाइम भी हमें पूरा मिलते रहेगा, सो क्लास 11 का पार्ट हम लोग क्लास 11 में ही पूरा कर लेंगे सर, ठीक है? तो आज हम लोग, अच्छा यहां तक कुछ पूछना है तो बोलिए। हाँ हेलो सर, हाँ हम यहाँ क्लास में बाल किसान सर, हाँ नेटवर्क ऊपर में चल गए वाईफाई वो तो ऊपर ले जाकर वाईफाई वो तो देखना अपन चंदन सर। चैट बॉक्स में लिखिए अभी तक का चीज आपको समझ में आया। अब हम लोग बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स को कई पार्ट्स में बांटेंगे। क्लास इंटरैक्टिव होना चाहिए, आपको कुछ भी बोल लिखना है चैट बॉक्स में लिखिएगा। चैट बॉक्स में जो भी आप लिखिएगा वो सारे के सारे हमें दिखाई देते ही रहेंगे। हाँ, आपका कोई भी चीज लिखा हुआ आपके किसी फ्रेंड को दिखाई नहीं देगा, ये एक अलग चीज है, लेकिन हमें सारा चीज दिखाई देगा। इसलिए आपको जो कुछ भी लिखना है पूछना है वो चैट बॉक्स में लिख दिया कीजिएगा। सेट, व्हाट इज ए सेट? क्या आप लोग बता सकते हैं सेट किसको कहते हैं? किसी को पता है तो चैट बॉक्स में लिखिए। तो व्हाट इज ए सेट? What is a set? Set is a well-defined object.
वेल डिफाइंड और सेफ नहीं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर्स नहीं ऑब्जेक्ट्स लिखना चाहिए, थिंग्स लिखना चाहिए, ठीक है। इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि आउटकम्स ऑफ ए डाइस, आउटकम ऑफ ए डाइस बिल्कुल निश्चित है, 1 2 3 4 5 6 इन्हीं में से कोई हो सकता है, ये बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, अजूबा नहीं है कि ना जाने तो क्या आ जाएगा। डाइस को आप थ्रो कीजिएगा तो उसमें 1 से 6 तक ही आ सकता है, इसके अलावा ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, क्या ये भी निश्चित है? हाँ ये भी निश्चित है, ये एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा होगा, कौन कौन होगा, 1 2 and 3, 1 2 and 3, ठीक है। तो क्या आप लोग को सेट समझ में आया, बताइए, चलिए बढ़िया बात है। अब सेट के लिए हमें नंबर सिस्टम आना चाहिए, सेट के लिए हमें नंबर सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि शब्द आ गया नेचुरल नंबर्स, इसे देखते हैं, नंबर सिस्टम को रिकॉल करते हैं हम लोग, व्हाट इज ए नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर्स, इसको 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाता है और इसे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पप्पू, दीपक, आपको सेट, दीपक पप्पू रियलमी, आपको सेट वाला रिपीट करना है या नेचुरल नंबर वाला रिपीट करना है, रिपीट जो आप लोग बोले हैं वो सेट वाला करना था या नेचुरल नंबर, सेट वाला, ठीक है। सेट क्या होता है, सेट एक अच्छे से डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का समूह कलेक्शन होता है, जैसे कि कहा जाए कि जंगल के 2 खतरनाक जानवर, भैया खतरनाक तो कोई भी हो सकता है, एक छोटा कीड़ा मकोड़ा भी खतरनाक हो सकता है, शेर भी खतरनाक हो सकता है, लोमड़ी भी खतरनाक हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में खतरनाक है
ये देखना पड़ जाता है। इसलिए खतरनाक का परिभाषा नहीं है, डिफाइंड नहीं है, तो दो खतरनाक जानवर जंगल का ये कोई सेट नहीं हुआ। इसी प्रकार गया शहर के दो हैंडसम बॉय, तो हैंडसम भी होता है कि चेहरे से है, बॉडी से है, नॉलेज से है, किस तरह से हैंडसम है, संस्कार से हैंडसम है, किस तरह से हैंडसम है, ये तो बताया नहीं गया, इसलिए ये भी अच्छे से डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे चीजों को सेट नहीं कहा जाता। सेट कहा जाता है जिसका परिभाषा एकदम निश्चित हो कि हाँ ये होगा। जैसे आपने लूडो खेला होगा बचपन में, लूडो का डाइस पासा जो होता है उसको बढ़िया से ऐसे घुमा के देखिए, उसमें एक दो इस तरह से डॉट बना रहता है, तो वही ना आपके हुए कि कितना आएगा, उसको जब थ्रो कीजिएगा तो कितना आएगा, ये होगा उसमें, तो एक से छह तक ही आ सकता है, नेचुरल नंबर बिल्कुल निश्चित है, एक दो तीन चार इस तरह से होता है। अब कहा जाए कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो चार से छोटा हो, तो चार से छोटा कौन है, एक दो तीन, यही तीन होंगे, तो वो बिल्कुल निश्चित है। चलिए अब बताइए, सेट वाला समझ में आया आप तीनों को? रियलमी। चलिए अब सेट को अच्छे से सीखने के लिए, जानने के लिए हमें नंबर सिस्टम भी आना चाहिए। तो पहले नंबर सिस्टम कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कैपिटल एन 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर हो गया काउंटिंग नंबर्स। अब इसमें करते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 इस तरह से, ये कैपिटल W हो जाएगा, ये कैपिटल W हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 ±1 ±2 ±3 इस तरह से, इसे हम लोग कैपिटल I से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किए जाते हैं और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेट्स लिख रहे हैं, ये हमारे कैपिटल लेटर से होते जाते हैं। अब इंटीजर्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटीजर्स को कई पार्ट में डिवाइड किया गया, वन ऑफ है पॉजिटिव इंटीजर, इसमें 1 2 3 ये सब आता है, इन्हें आई प्लस या जेड प्लस से डिनोट करते हैं। निगेटिव इंटीजर -3 -2 -1 आई माइनस और जेड माइनस, ठीक है। इसी में आते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, ये कौन कौन है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स? नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो,
वो इंटीजर जो पॉजिटिव नहीं हो तो ये कौन से होंगे, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो। अगला है नॉन निगेटिव इंटीजर, इसमें कौन कौन आएंगे, जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, इसमें होल नंबर्स आएंगे आपके। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए एक बार। जीरो आपका नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव इंटीजर्स है। हाँ सर, हाँ सर, आ गए। ठीक है, हम 9:30 में बोले थे तो चालू करके देखिए। ओ अच्छा, तो मिस्टेक हो गया, हमको शाम में जो आए थे उसी में मिस्टेक हुआ। ठीक है सर, हमसे ही गलती हुआ। ठीक है सर, हाँ हाँ ठीक है सर। बायो क्लास और थोड़ा देर में स्टार्ट होने वाला है। हाँ, आप लोग को कहां पे डाउट हुआ है, जीरो क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं, इसे डिनोट नहीं किया जाता। नॉन पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन निगेटिव इंटीजर को डिनोट नहीं किया जाता किसी स्पेशल लेटर से। ठीक है, और जीरो, जीरो आपका पॉजिटिव नहीं है, जीरो आपका निगेटिव नहीं है, तो फिर जीरो क्या है, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो निगेटिव नहीं है, जीरो निगेटिव नहीं है, जीरो पॉजिटिव नहीं है, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। रियलमी आपको क्लियर हुआ, रियलमी आपका नाम क्या है, रियलमी सेवन आपका नाम क्या है, नाम बताइए, छोटू। ठीक है, आगे से आप अपने नाम से ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अभी हमने आपका नाम चेंज कर दिया है। तो और इसको किसी को इसमें अभी तक डाउट है तो बोलिए। नहीं है, ठीक है,
इसके बाद इवन इंटीजर, ये जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स, ये इवन इंटीजर्स है। इवन इंटीजर्स का डिफिनीशन क्या है? वो इंटीजर जो दो से डिविजिबल, वो इंटीजर जो दो से टू से डिविजिबल है उसे इवन इंटीजर कहते हैं। तो क्या जीरो दो से डिवाइड लगेगा? बिल्कुल, जीरो दो से डिविजिबल है इसलिए जीरो इवन नंबर है। अगेन ऑड इंटीजर प्लस माइनस वन प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। वो इंटीजर जो दो से डिविजिबल नहीं हो पाए, वो इंटीजर जो दो से डिविजिबल नहीं हो पाए उसे हम लोग ऑड इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बायो वाला कौन था बच्चा? बायो का क्लास शुरू होने वाला है बाबू। इवन इंटीजर ऑड इंटीजर्स। चलिए अगला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये क्या होता है? व्हाट इज ए प्राइम नंबर बताइए, व्हाट इज ए प्राइम नंबर? चलिए आप लोग बताइए पहले, व्हाट इज ए प्राइम नंबर? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर किसको कहते हैं? Which has only two factors? This has one and itself. A number which has only two factors, one and itself. Sejal ka sahi hai, सुजीत गौतम का सही है, दीपक का भी सही है। मतलब प्राइम नंबर आप लोग को मालूम है ना, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से डिविजिबल हो एंड खुद से डिविजिबल, वन से डिविजिबल हो खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा और कोई नंबर से वो डिविजिबल नहीं होगा। मैट्रिक्स हम लोग कह सकते हैं कि कैसा नेचुरल नंबर्स जिसके दो ही फैक्टर हो, वन एंड एन, इसके अलावा और कोई नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। आपको वन से थर्टी के बीच में प्राइम नंबर लिखने हैं, लिख के बताइए। वन से थर्टी के बीच में प्राइम नंबर्स हमें 1 से 100 तक लिखना है, लेकिन 30 30 का सेट पे जाना है। 1 से 30 के बीच में 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29। चलिए 30 टू 60 आप लोग लिखिए, 30 टू 60 आप लोग लिखिए, and then 60 to 900, 1 to 100, एक से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर आपको लिखने हैं, लिखिए।
दीपक का सही है, 30 to 60 सही लिखें, 60 to 900 तक पूरा कीजिए इसको, 31, 37, 43, 57, 53, 59, 33 किसका था? वो गलत था, 33 जो लिखे हैं, किसका कौन लिखा था 33? दीपक का तो ठीक था, लेकिन उसके बाद वाले का गलत हो गया, पप्पू का गलत था, 33 नहीं है प्राइम नंबर। राजन को तीन ही नंबर आया, 7, 17 and 41, 7, 17, 41, ये सिर्फ तीन थोड़े होंगे, और भी होंगे। फिफ्टी वन सीजर 17 into 3 हो जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 41 है प्राइम नंबर, 41 प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हमें आगे वाला और देखना है, इसके आगे 61 और कौन कौन बताया है आप लोग? दीपक का है 61, 67, 71 73, 79, 83, 87, 89, 97 ये सब दीपक ने बताया है। क्या आपको लगता है कि ये हो गए? 87 हमको डाउट है, 87 नहीं होगा। अपना चार्जर हो गया, अभी चलेगा कि नहीं? तो हम लोग को लग कैसे लगेगा? यहाँ कहाँ है चार्जर? हाँ ये और गणेश को फोन करो ना, इंटरनेट ऑन नहीं है। इसमें एट्टी सेवन नहीं होगा, सही जवाब है दीपक, 87 नहीं होगा। राजन बायोलॉजी स्टार्ट हो चुका है, 87 नहीं होगा। और दूध देखिए, और बाकी सब ठीक है। 1 से 100 के बीच के सारे प्राइम नंबर हमें लिखने थे, हाँ। चलिए, तो ये हमारे प्राइम नंबर्स हो गए 1 से 100 के बीच वाले, है ना? ठीक है, अब इसमें हम लोग कंपोजिट नंबर देते हैं। कंपोजिट नंबर्स कौन होंगे? वो नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नहीं है, क्या ये डिफिनेशन ठीक होगा? वो नेचुरल नंबर जो प्राइम नहीं हो उसे कंपोजिट बोलते हैं, ये डिफिनेशन ठीक होगा
या होगा डिफिनीशन कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम तीन फैक्टर हो, कम से कम तीन फैक्टर हो, ऐसे नेचुरल नंबर्स को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। दोनों में से कौन सा डिफिनीशन करेक्ट है? सेकंड वाला डिफिनीशन सही है। ठीक है दीपक, यही डिफिनीशन करेक्ट है भी कि वो नेचुरल नंबर्स जिसका कम से कम थ्री फैक्टर्स हो। प्राइम नंबर में था 2 फैक्टर्स ओनली, और इसमें होगा एट लीस्ट 3 फैक्टर्स, एट लीस्ट 3 फैक्टर्स। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए, हम एक मिनट में आ रहे हैं।
चलिए डन हो गया। एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स, तो इसको कहां से स्टार्ट कर सकते हैं, 4, 6, 8, 9, 10 and so on, ठीक है। तो मेरे मन में कुछ सवाल है, उसका जवाब दीजिएगा। वन प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? वन क्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, बताइए। वन क्या है, प्राइम या कंपोजिट? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हाँ, दीपक का सही है, सीजल सिन्हा का भी सही है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो लिख लीजिए, वन ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। वन इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, वन इज नाइदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, प्राइम नंबर क्या सिर्फ ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है या इवन भी होते हैं? अगर इवन होते हैं तो कितने सारे इवन प्राइम नंबर है, बता सकते हैं कितने सारे इवन प्राइम नंबर होते हैं, बताइए। इवन प्राइम नंबर का संख्या कितना है? Only one. Deepak का सही है, only one. Two is the only even prime number. सही है, two is the only even prime number. ठीक है। इसके बाद next question है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होगा? 4 सही है, 4 इज लीस्ट कंपोजिट नंबर, 4 इज लिस्ट कंपोजिट नंबर, ओके। अब हमारे पास है एक नया नाम, को प्राइम और रिलेटिव प्राइम। क्या आप लोगों में से किसी को को प्राइम या रिलेटिव प्राइम के बारे में जानकारी है, तो बताइए। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम किसको कहते हैं, बताइए। को प्राइम या रिलेटिव प्राइम किसको कहते हैं, HCF 1 हो। पंकज का कहना है, 2 or more numbers that has only one as common factor। नहीं दीपक, ये गलत है। पंकज का था तो कुछ ठीक, बस इसमें एक ही चीज का डाउट था कि HCF कितने नंबर का लिया गया। को प्राइम और रिलेटिव प्राइम दो ही नेचुरल नंबर के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है,
ठीक है, पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है, तो हो जाएगा डिफिनीशन पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, पेयर ऑफ टू नेचुरल नंबर्स होज एच सी एफ, होज एच सी एफ इज वन. फॉर एग्जाम्पल 1 6, इनका एच सी एफ 1 है. 1 5, इनका भी एच सी एफ 1 है. 3 13, एच सी एफ 1 है. 4 9, एच सी एफ 1 है. 7 22, इनका भी एच सी एफ 1 है, एंड सो ऑन. 2 प्राइम नंबर हमेशा को प्राइम होंगे, लेकिन अगर वो दोनों प्राइम नंबर ना हो, एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट, तो भी हो सकते हैं. दोनों नॉन प्राइम हैं तो भी हो सकते हैं. नॉन प्राइम नॉन कंपोजिट वाला भी हो सकता है. सिर्फ दो नंबर्स में आज तक पूछा गया है. आपको जो भी बेसिक मैथ सिखाया जाते रहेगा, उसमें एक चीज का ध्यान रखा जाएगा, हर उस चीज का ही जिक्र हो जो जेई में या जेई एडवांस में आ सकता है. जेई में या जेई एडवांस में आ सकता है आपको, ठीक है. तो जेई मेन या जेई एडवांस में जो आपको आ सकता है, सिर्फ वही बताया जाएगा. और अब तक जो पूछा गया है वो दो नेचुरल नंबर्स का ही पूछा गया है कि वो को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है. क्या इसमें कोई और डॉट है, बोलिए. चलिए और आगे बढ़ते हैं. टीवी प्राइम, ये किसको कहते हैं? ट्वीन प्राइम किसको कहते हैं? सोचिए और बताइए, व्हाट इज ट्वीन प्राइम? ट्वीन प्राइम किसको कहते हैं? क्या ट्वीन प्राइम का नाम आपने सुना है? बोलिए. नहीं सुने? ओके, तो देखिए, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज टू, whose difference is 2. Example के तौर पे आप कर सकते हैं 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31 and so on. आप देख सकते हैं सारे के सारे प्राइम नंबर से और इनके बीच का फासला, डिफरेंस 2 है.
चलिए ये समझ में आ गया। मेरे मन में एक छोटा सा डाउट, हम पूछते हैं उस छोटे से डाउट को, इज द नंबर बिटवीन बिटवीन प्राइम डिविजिबल बाय सिक्स, ट्वीन प्राइम के बीच में जो नंबर होता है क्या वो छह से डिविजिबल होगा? थ्री फाइव में ये नंबर नहीं होगा, ठीक है, और बाकियों में होगा? ठीक है, सेट इज तो एक मिनट आ रहे हैं। यहां पर जितने भी पेयर्स आपको दिख रहे हैं इन सब में सिक्स का सिक्स से डिवाइड होने वाला ही बिटवीन में है, इसमें नहीं, ठीक है? तो इसका आंसर होगा यस, और इसमें एक्सेप्ट हो जाएगा बिटवीन पेयर थ्री कॉमा फाइव। इसको अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा जितने भी ट्वीन प्राइम होंगे उसके बीच वाला नंबर हमेशा सिक्स से डिविजिबल होगा, ठीक है, हमेशा सिक्स से डिविजिबल होगा। इसका भी एक कारण है, कारण क्या है भाई, वो देखा जाए।
इसका कारण क्या है? नहीं नहीं वो नहीं है, इसका कारण है प्राइम नंबर कैन बी रिटेन एज 6k ± 1 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. एग्जाम्पल 25 6 × 4 + 1 है, 6 × 4 + 1 है, वो आपका प्राइम नंबर नहीं है. तो आप ये अगर कहते हैं कि इस सिस्टम से जो भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, इस सिस्टम से जो भी नेचुरल नंबर आएंगे 6k ± 1 से जो भी नेचुरल नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, तो ये गलत होगा. ये गलत होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा. लेकिन हाँ, जो भी प्राइम नंबर्स होंगे आपके, आप देख सकते हैं फाइव से देखना शुरू कीजिए. फाइव आपका यहां है, 5, 7, 11, 13, 17, 8, 19, 23 सब यहां से आते जाएंगे. ठीक है, तो जब ट्वीन प्राइम होंगे, जब ट्वीन प्राइम होंगे तो एक होगा 6k + 1 और एक होगा 6k - 1. तो दोनों का एवरेज, एक हुआ 6k + 1 और एक रहेगा 6k - 1, क्योंकि इन्हीं दोनों का डिफरेंस 2 है. तो इनका जब एवरेज करेंगे तो बीच वाला नंबर 6k आएगा. तो ऑलरेडी ये 6 से डिविजिबल है, ऑलरेडी ये 6 से डिविजिबल है. ठीक है, तो इसलिए जितने भी होंगे वो 6 से डिविजिबल होंगे, लेकिन शुरुआती प्राइम नंबर 2, 3 वो इसे नहीं फॉलो करते. शुरुआती प्राइम नंबर इसे नहीं फॉलो करते, इसलिए शुरुआत पेयर इसको फॉलो नहीं किया. क्या समझ में आया बात को? शुरू का 2, 3 प्राइम नंबर जो है वो इस लॉजिक को नहीं फॉलो करता, इसके कारण ये भी आपको फॉलो नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा है. इसके अलावा जितने भी सारे होंगे प्राइम नंबर वो सारे के सारे इस पे सेट हो जाएंगे, सारे के सारे इस पे सेट हो जाएंगे. क्या आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं. आपका प्राइम नंबर आपको लिखा हुआ था, प्राइम नंबर आपको लिखा हुआ था 2, 3, 2, 3 उसके अलावा है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20, 21, 37, 41, 43. तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर क्या आपको नहीं लग रहे हैं कि 6k ± 1 है? 6k + 6 से गुना, उसमें फिर एक जोड़ दे या एक घटा दे तो ये सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे, सारे नंबर दिखाई दे. ठीक है, इसलिए कहा गया कि प्राइम नंबर्स को हम 6k ± 1 के फॉर्मेट में पेश कर सकते हैं, लेकिन इसमें कई नंबर ऐसे भी इससे आते हैं जो यहाँ नहीं दिखा हुआ है, जैसे कि उनमें से एक है 25, ये आपका प्राइम नंबर नहीं है. 25 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 6 × 4 = 24 + 1 से 25 आता है.
ठीक है। तो ये कहा गया कि यहां से कहेंगे कि 6k प्लस माइनस 1 से जो भी नंबर मिलेगा वो सारे के सारे प्राइम नंबर होंगे, ये गलत है। लेकिन प्राइम नंबर को हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये निश्चित हो गया कि प्राइम नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्राइम नंबर को ऐसा लिख सकते हैं, तो जो ट्वीन प्राइम होगा, ट्वीन प्राइम ये भी तो यहीं से आया है, और ट्वीन प्राइम का डिफरेंस 2 होगा, तो ये दोनों प्राइम नंबर बिल्कुल बगल वाला होगा, तो बिल्कुल बगल वाला प्राइम नंबर कौन होगा, एक होगा 6k प्लस 1 और एक होगा 6k माइनस 1। एक 6k प्लस 1 है, एक 6k माइनस 1 है, तो दोनों के बीच में कौन सा नंबर होगा, एवरेज वाला उनके बीच में होता है, एवरेज वाला नंबर हमेशा बीच में होता है, तो एवरेज निकालने पे 6k आया। वो डायरेक्टली कह रहा है कि 6 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, इसीलिए हमने कहा कि वो नंबर जो ट्वीन प्राइम के बीच में है, वो नंबर जो ट्वीन प्राइम के बीच में है 6 से डिविजिबल लगेगा, 6 से डिविजिबल लगेगा। लेकिन शुरू के जो प्राइम नंबर है 2 वो इससे नहीं लिखा जाता है, 3 इससे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। 2 एंड 3 इससे नहीं लिखा जाता है, वो इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए शुरू में जो ये आया है इसमें जो 4 है वो 4 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे आपको 6 से डिविजिबल है। क्या अब समझ में आया? छोटू आपको समझ में आया? छोटू समझ में आया? ठीक है, चलिए अब इसको मूव ऑन करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक और चीज इसमें बता देते हैं, 2 का पावर n, ये एक ऐसा नंबर है जिसे एक स्पेशल मैथमेटिशियन ने निकाला था, उस मैथमेटिशियन का नाम है फॉर्मेट, इसलिए इसको फॉर्मेट नंबर कहते हैं। शुरू में लोगों ने सोचा कि ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है, जी हाँ, प्लस 1, 2 का पावर n प्लस 1 प्लस 1 ये फॉर्मेट नंबर है। शुरू में लोगों ने कहा इनिशियली इट इज टेकन एज प्राइम नंबर n आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक कंपोजिट नंबर है। शुरू के कुछ नंबर आप रख के देख सकते हैं, n बराबर 0 अगर आप रखते हैं तो यहाँ 3 आएगा, प्राइम नंबर है। n बराबर 1 रख के देखिए, यहाँ 5 आएगा, प्राइम नंबर है। n बराबर 3 रख के देखिए तो कितना हो जाएगा, 2 का पावर 8, टू फिफ्टी सेवन, वो भी हमारा प्राइम नंबर से। तो शुरू में जितने भी नंबर्स लोगों ने चेक किए वो सारे के सारे प्राइम नंबर आते चले गए, ठीक है,
जितना भी नंबर वो रखते थे सब प्राइम नंबर हो जाता था, तो सबको यही लगा कि ये नंबर जो है ये एक प्राइम नंबर है। लेकिन बाद के रिसर्च में पता लगा, बहुत आगे तक जब कैलकुलेशन करके देखा गया तो पता चला कि इससे कुछ ऐसे नंबर भी निकल के आए हैं, इनसे कुछ ऐसे भी नंबर निकल के आए हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर थे, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर थे। इसलिए बाद में मॉडिफाई कर लिया गया कि भैया ये वाला फॉर्मेट प्राइम नंबर नहीं होता, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, ये इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आप अगर रख के देखेंगे तो n का वैल्यू छोटा सा ही रख के देखेंगे और उसमें आपको प्राइम नंबर ही आते रहेगा, जबकि एक्चुअली में ये एक कंपोजिट नंबर है। चलिए इसको भी नोट कीजिए, ये एक कंपोजिट नंबर होता है। चलिए एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। a का पावर b प्लस b का पावर a ये 4 है, तो a कॉमा b ट्वीन प्राइम हुए। ट्वीन प्राइम नहीं, को प्राइम बोलते हैं, या ट्वीन प्राइम रहने दीजिए, ट्वीन प्राइम। ये ट्रू है या फॉल्स, ये जवाब देना, ये सही है या गलत। ए का पावर बी प्लस बी का पावर ए इक्वल टू 4, फॉल्स। सीजल को फॉल्स आया, और किसी को? सबको फॉल्स आ रहा ना। देखिए अच्छा फॉल्स सही, ठीक है फॉल्स में सही हो गया आपको। अब हम इसे यहां बदलते हैं, इज को प्राइम, आप बताइए सही है या गलत। ए कॉमा बी को प्राइम है, आप बताइए ये सही है या गलत। क्या ये को प्राइम होगा ए बी, रिलेटिव प्राइम होगा? क्या रिलेटिव प्राइम होंगे ए बी, बोलिए। नहीं, देखिए 1 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 1
1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि किसी एक को 1 मानेंगे तो दूसरा 3 हो जाएगा। 1 और 3 का HCF कितना है? 1 एंड 3 का HCF 1 है। HCF 1 3 का 1 है, तो ये रिलेटिव प्राइम है। को प्राइम का क्वेश्चन में ट्रू होगा, को प्राइम के क्वेश्चन में ट्रू होगा, लेकिन ट्वीन प्राइम के क्वेश्चन में गलत होगा। ये 1 3 ट्वीन प्राइम नहीं है, 1 3 ट्वीन प्राइम नहीं है, लेकिन को प्राइम है, रिलेटिव प्राइम है। क्या क्लियर हुआ? क्या ये क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देते हैं और आज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, उसे बना के रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में चेक होगा। हमें ए स्क्वायर माइनस बी फोर 2009 है, जिसमें ए बी आई प्लस है, ए बी आई प्लस है, तो आपको a प्लस बी निकालना है। ठीक है, ये आप बना के रखिएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में चेक करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। हो गया नोट? थैंक यू।